चिप्स तो आपने कई बार खाई होगी, बट आज मैं आपके लिए एकदम डिफरेंट स्टाइल की क्रिस्पी पोटैटो रोल चिप्स की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको आज मैंने बनाया है डबल लेयर चिप्स करके, तो ये आप सुनिए और ये देखिए। मैं आपको एक बार क्रश करके भी दिखा देती हूँ कितने अच्छे इसके साउंड क्रिस्पीनेस के साथ आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल चिप्स से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीतूज होम वर्ल्ड में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिस्पी पोटैटो रोल चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 2 बड़े साइज के आलू। तो इन आलूओं को सबसे पहले हम पील कर लेंगे, यानी इसके छिलके को पहले हटा लेंगे। तो इस तरीके से पीलर की हेल्प से हम इसको रिमूव कर लेंगे, इसके स्किन को। दूसरे आलू को भी इसी तरीके से छील लेंगे और ये देखिए दोनों आलू छिलकर रेडी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है फूड प्रोसेसर का स्लाइसर। अगर आपके पास मेन स्लाइसर है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप नाइफ की हेल्प से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आलू के जो स्लाइस हैं इस तरीके से पतले पतले निकल के आ जाएंगे। तो बड़े वाले साइज के तरफ से ये देखिए मैंने लंबे लंबे स्लाइसर की हेल्प से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर एक बाउल में ले लेंगे ये स्लाइस किए हुए अपने आलू को और इसको वॉश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बार वॉश कर लिया इसको। इसमें काफ़ी स्टार्च होते हैं तो उसको हम रिमूव कर लेंगे 1 से 2 बार पानी से वॉश कर टिश्यू पेपर पर इस तरीके से हम रख देंगे और इसको एकदम ड्राई कर लेंगे। इसमें कोई भी पानी नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से टिश्यू पेपर पर रख कर एक दूसरे टिश्यू पेपर से इसको पोंछ लेंगे, या तो आप इसके अलावा आप किचन टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया। अब इसके ऊपर हम स्ट्रेनर पर 1 टेबलस्पून मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर और इस तरीके से इस पर स्प्रिंकल करेंगे। स्ट्रेनर के ऊपर डालने से बहुत ही अच्छे से ये इवनली स्प्रिंकल हो जाता है। यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ क्रिस्पीनेस के लिए कर रहे हैं। तो एक लेयर तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब और स्लाइस किए हुए अपने आलू को ले लेंगे और उसी के ऊपर रखते जाएंगे। सेम प्रोसेस हम सारे स्लाइस किए हुए पोटैटोज के ऊपर रखेंगे और दोबारा से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। कॉर्नफ्लोर को ऊपर से दोबारा से स्प्रिंकल कर देंगे। सारे पोटैटोज के ऊपर हम एक लेयर दे देंगे कॉर्नस्टार्च की। तो अब हम इसकी रोलिंग करेंगे। तो इस तरीके से दोनों हाथों से धीरे धीरे रोल करते जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक टूथपिक की हेल्प से इसको स्टिक कर देंगे। सेम प्रोसेस कर हम सारे पोटैटोज रोल को इसी तरीके से बना लेंगे। मैं एक पीस को और कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा टाइटली आप इसको फोल्ड करें और लास्ट एंड पे आप जाकर टूथपिक से इस तरीके से अंदर इंसर्ट कर देंगे। थोड़ा जेंटली इसको अंदर इन करेंगे और इसी तरीके से हम सारे रोल्स को रेडी कर लेंगे। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे, फ्राई करने के लिए गर्म होने देते हैं। और ये देखिए सारे हमारे पोटैटो रोल्स जो हैं रेडी हैं। अब तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक कर ऑयल में डाल देंगे। तो ऑयल को हमने पहले लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। उसके बाद जब हमने पोटैटो रोल्स को डाला है तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको रखा है। आप चाहें तो आराम से इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीच बीच में इसको उलट पलट करते रहें। तो ये देखिए उलट पलट करते हुए यहाँ पर हमारी पोटैटो रोल्स, क्रिस्पी पोटैटो रोल्स बनकर रेडी है। तो इसको मैंने निकाल लिया है। आइए अब मैं इसकी साउंड सुनाती हूँ। तो ये देखिए क्रिस्पीनेस की आवाज़ें आ रही है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने टूथपिक लगाया था इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, यानी घुमाते हुए इसको बाहर की ओर निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये रोल बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस करेंगे हम सारे रोल्स के साथ में। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टिक निकाल लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे और इसमें हम अपने क्रिस्पी पोटैटो रोल्स को डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता को इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें पार्सले का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इस तरीके से टॉस करते हुए मिक्स कर देंगे।
ताकि अच्छे से कोटिंग चहर सके नमक की और धनिये के पत्ते की। यहाँ पर जो ड्राई पार्सले आती है ना, आप उसको भी डाल सकते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म हमारे पोटैटो रोल चिप्स बनकर रेडी हैं। इसको टोमेटो सॉस या फिर मेयोनीज के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगती है। ऊपर से आप चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर खा सकते हैं। आइए अब इसकी क्रिस्पीनेस को सुनते हैं, कितनी क्रिस्पी बनी है, वाव। तो इसको आप जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।